गौरव कुमार इलमे सिंह अट्टे में रहता है, वो मेरे भाई के घर पे ही रहता था और उसने मुझसे शादी का वादा करा। मैं उसे पसंद थी, कहने लगा मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसे ऐसे कह के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मेरे साथ सगाई भी की उसने और मुझे प्रेग्नेंट भी किया। फिर जब मैं प्रेग्नेंट होगी मैंने शादी का कहा तो उसने मुझे दवाई ला के दी और कहने लगा कुछ नहीं होएगा, मैं तुझसे ही शादी करूँगा। ये कह के मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा, दुष्कर्म करता रहा। मैंने मना भी किया था तो कहने लगा जब मैं तुझसे शादी कर रहा हूँ तो ऐसे में कुछ बुराई नहीं है। और जब मैंने उससे शादी का दबाव बनाया तो उसने मना कर दिया। मुझे पता चला वो कहीं और शादी कर रहा है। जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो मेरे पापा उसके घर गए हैं बात करने के लिए, तो उसने साफ साफ मना कर दिया और मेरे पापा की बहुत बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। कहने लगा मैं नहीं शादी करने का, जो तुम्हारे पे होगा वो तुम कर लो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना मैं पुलिस से डरता हूँ, ना मैं सरकार से डरता हूँ, ना मैं जेल से डरता हूँ। मैं जेल में भी चला जाऊँगा लेकिन तुझसे शादी नहीं करूँगा, मैं तो सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही करता हूँ, उसने मेरे से ऐसे कहा। और मेरे उसका जीजा है एक नरेश, वो मेरे भाई को धमकी देता है, पापा को धमकी देता है कि 2 लाख रुपये ले लो और चुप बैठ जाओ और अपनी लड़की की कहीं और शादी कर लो और तुम कार्रवाई मत करो, ना एप्लीकेशन लगाओ ना रिपोर्ट लिखवाओ। वो हमें फ़ोन करके धमकी देता है, मेरे भाई को भी मारने की धमकी देता है। जब तो वो मुझे मिलने के लिए बाहर बुलाता था, कभी होटलों में ले जाता था, जगह जगह ले जाता था और मेरे साथ दुष्कर्म करता था। जब मैं मना करती थी तो कहता था मैं शादी तो करूँगा तुझसे, फिर तू क्यों डरती है, क्यों वो करती है। सर मेरे मना करने के बावजूद भी वो मुझे जगह जगह होटलों में कहीं पर भी ले जाता था। एक मुकदमा पंजीकृत करवाया है अपने भाई के साले के खिलाफ। इसका कहना है कि इसका भाई का साला आता था, उसी दौरान इसके रिश्ते हो गए और इसने हमसे शादी की बात की। शादी का झांसा देकर ये लगातार हमसे संबंध भी बनाता रहा। अब शादी की बात जब किया तो शादी करने से मना कर रहा है। इसी बात को लेकर उसने एक मुकदमा अपने भाई के साले के खिलाफ लिखाया है और उसमें विवेचना की जा रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें कल ही मुकदमा लिखा गया और इसमें साक्ष्य के अनुसार जो भी पाया जाएगा सत्यता उसमें कार्रवाई होगी। ये मुकदमा जो धारा इसमें लगी है 376, 313, 420, 323 और 506 IPC के अंतर्गत थाना साधना में मुकदमा लिखा गया। थैंक यू।